सोमवार की अमावस को इस कुएं का जल सफेद हो जाता है दूध जैसा। उस दिन मान्यता है सारे तीर्थों का आगमन होता है, तो विशेष रूप से भगवान विष्णु के चरण कमलों में जो रहता है क्षीर सागर, उसका आगमन होता है, उसके प्रभाव से कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों के संतान नहीं, राधा रानी का उनकी विवाह स्थली भांडीर वन में मिलेगा, जहाँ पे कान्हा के हाथ में मुरली ना होके मोर पंख, जिससे हमारी लाडली जी की मांग में सिंदूर भर रही है। अद्भुत दृश्य, सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा विग्रह जो उनकी विवाह स्थली पर स्थित है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको भांडीर वन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की शादी हुई थी, वहाँ पर लेके आया हूँ। तो दोस्तों, बने रहना मेरे ब्लॉग पर और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भांडीर वन। आपने जो देखा है, इसको बेड़ू कूप के नाम से जानते हैं। ये भगवान ने गौ हत्या के प्रायश्चित में बंसी से खोद के बनाया। जो बच्चा सुर नाम का राक्षस बछड़े के रूप में आया था, भगवान ने उद्धार कर दिया। ग्वालवाल बोले, आपने गाय को मारा है, सारे तीर्थों को स्नान करना पड़ेगा। तब भगवान ने अपना गिनती करके लगाया, बोले 68 करोड़ तीर्थ है इस ब्रह्मांड में, सारे तीर्थों को स्नान करना ही बहुत मुश्किल है। तब ग्वालवाल बोले, भगवान आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? तो भगवान बोले, ठीक है, मैं सारे तीर्थों को यहाँ बुलाता हूँ। तो कालांतर में यमुना नदी पहले यहीं बहती थी, उसके किनारे जाकर के भगवान ने बंसी से छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें पानी निकल आया। सभी तीर्थाए अपना अपना नाम लेकर के आवाहन करके जल छोड़ते गए। जब भगवान पाप मुक्त हो गए तो ग्वाल वालों से दूर होने लग गए। बोले, दूर क्यों हो रहे हो? भैया, मारने वाले से देखने वाले का भी पाप था। आपने जिस समय मैं अपराध कर रहा था, आपने रोका नहीं, पीछे आप लोग ज्ञानी बन रहे हो, तो बराबर की हिस्सेदारी आपकी भी है, पाप में भागीदारी हो। भगवान, फिर हमारे पाप की निवृत्ति कैसी हो? तो भगवान ने कहा कि भैया, ये जो जल बचा हुआ है जिसमें मैंने स्नान किया, इसके आप छींटे लगा दो। तो आज भी मान्यता है, जिन माता बहनों की संतान नहीं होती है, लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, उनके मर जाते हैं या अन्य मनोकामना होती है, गर्भ खंडित हो जाते हैं, वो माता बहनें यहाँ स्नान करके गाय के गोबर के स्वास्थ्य लगाती हैं, मनोकामना पूरी होती है। सोमवार की अमावस को इस कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है दूध जैसा। उस दिन मान्यता है सारे तीर्थों का आगमन होता है, तो विशेष रूप से भगवान विष्णु के चरण कमलों में जो रहता है क्षीर सागर, उसका आगमन होता है, उसके प्रभाव से कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है। जिन माता बहनों के संतान नहीं होती है, उस दिन विशेष पर्व होता है। इस कुएं के दर्शन मात्र से 24 अवतारों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। आचमन करने से पुनर्जन्म नहीं मिलता, छींटे लगाने से सारे पाप नष्ट होते हैं, और स्नान करने से सारे तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। सोमवार की अमावस को सुबह 4 बजे से शाम को 5 बजे तक कुएं का जल सफ़ेद रहता है, उसके बाद शाम को 5 बजे अपने आप अंतर ध्यान होता है। तो दोस्तों, अभी आपने स्थानीय लोगों से इस कुएं के बारे में मैंने आप जानकारी दिलवाई, तो अब आगे वो स्थान दिखाने पर जा रहा हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की शादी हुई थी। बताते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी पंडित बने थे, और भगवान श्री कृष्ण दूल्हा और माँ राधा रानी शादी के लिए तैयार थे। तो चलते हैं और वो मंदिर दिखाता हूँ चल के।
दोस्तों हम आ चुके हैं उस मंदिर पर जहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मांग में सिंदूर भरा था। तो चलते हैं दोस्तों, आपको दर्शन कराता हूं। तो ये जगह है भांडीर वन, जिसको भांडीर वन के नाम से जानते हैं, और यहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की शादी हुई थी। दोस्तों आप इस भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं, और आप ध्यान से देखना, इनका हाथ माँ राधा रानी की तरफ मांग भरने की तरफ जा रहा है, जो कि मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। अगर वेद पुराणों की मानी जाए तो वहां पर लिखा हुआ है कि नंद राय जी कन्हैया जी को लेकर के भांडीर वन से जा रहे थे, तो रास्ते में राधा रानी प्रकट हुई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया था। इसके बाद वयस्क रूप, उस समय उनकी उम्र 6 साल थी, वयस्क रूप में किया। इसके बाद ब्रह्मा जी का आवाहन किया, ब्रह्मा जी ने इनकी शादी कराई थी। तो दोस्तों ये वही जगह है भांडीर वन के नाम से, जहां पर मैं आज आपको लेके आया हूं। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर, और मैं आपको दिखाता हूं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विवाह स्थली, जो कि भांडीर वन वृंदावन में स्थित है। भांडीर वन है जहां आप बैठे। शास्त्रों प्राणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ पर राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथ में बंसी मिलेगी या बंसी नहीं है। शादी का विग्रह सामने देखो, कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। बहुत ही चौंकाने वाली बात, ये पेड़ देखो, ये पेड़ आप देख रहे हो, ये अलग है और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। दोस्तों ये दूसरा पेड़ है, और ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जैसे हाथ मिला के एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं ना, वही बिल्कुल सीनरी है। इस पेड़ से शाखा शुरू हुई हुई है, और इसमें ये जाके इधर दूसरे पेड़, मतलब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का गठजोड़, जैसे भावर के टाइम में गांठ लगाई जाती है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। दोस्तों मुंह है, ये इनकी आंखें हैं, ये नाक खाना मुंह, और ये होठों से लगी हुई मुरली, ये कंधे, ये बैठा हुआ काना। जब शादी हुई थी तब किशोर अवस्था रूप था। तो देखो ये काना जी का मुंह है, ये आंखें हैं, नाक खाना मुंह, ये होठों से लगी हुई मुरली, ये मुकुट, काले घुंघराले बाल, ये हाथ, ये पटका, ये पैर, बाकी बिहारी जी वाली टेढ़ी छवि नजर आती है। और फोन में फोटो क्लिक करोगे तो वास्तविक छवि नजर आने लगती है। मेरे मोबाइल में देखना ऐसे जैसे ये देखो बिहारी जी की तरह दिख रहे हैं कि नहीं। देखिए देखो ये रहे और ये बैठे हुए काना, गोरे वाले ज्यादा साफ दिखते हैं, सामने वाले थोड़े कम दिखते हैं। ये सामने वाले इनका मुंह तो साफ दिख जाता है, लेकिन इनका जो गौर वर्ण है ये ज्यादा साफ दिखता है, एकदम छवि। राधा रानी का उनकी विवाह स्थली भांडीर वन में मिलेगा, जहाँ पे कान्हा के हाथ में मुरली ना होके मोर पंख, जिससे हमारी लाडली जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। अद्भुत दृश्य, सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा विग्रह जो उनकी विवाह स्थली पर स्थित है। राधे राधे।
पता है हमारे श्री जी ने स्कंद पुराण में इस स्थान के बारे में क्या कहा था? इसको रिकॉर्ड करिए, बहुत अच्छा है। रिकॉर्ड हो रहा है, आप बोलते जाओ, रिकॉर्ड हो रहा है। तो श्री जी ने स्कंद पुराण में इस स्थान के बारे में ये कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, फिर तो लोग पाप करेंगे और सीधे दौड़े भांडीर बन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर बन जो कह दिया। तो हमारे लाडली जी ने कहा, नहीं कान्हा, मैं जिस पर विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति और भाव दोनों सच्चे हैं, और जो भक्त मेरी शादी में उपस्थित है, अगर वो भक्त पहली बार वृंदावन आता है तो पहली बार में ही गुप्त वृंदावन आ जाएगा, नहीं तो भक्तों को कई बार वृंदावन आना होगा। जब जाके आप गुप्त वृंदावन आओगे, और वो भी डायरेक्टली नहीं, किसी न किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम बहुत जरूरी है, और जो भी भांडीर वन में प्रवेश करेगा, प्रवेश मात्र से ही जो कान्हा ने 14 लीलाएं की हैं उनके दर्शन मात्र का फल प्राप्त होता है, और जो भी यहाँ की किनका प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गोलोक धाम से वैकुंठ गोलोक धाम को जाता है। राधे राधे। इस पेड़ में बनी हुई ये आकृति दोस्तों देख रहे हो, अगर आप इसको गौर से देखो तो ऊपर भगवान श्री कृष्ण जो मोर मुकुट साफ दिख रहा है, और ये नीचे माँ राधा रानी का चित्र। अगर आप सच्चे दिल से राधे राधे बोलते हुए अगर आप देखोगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का साक्षात दर्शन हो जाएगा। और इस पेड़ में ही ये आकृति बनी हुई है। सभी के लिए मेरी कर प्रणाम है, और सभी जो जो यहाँ इस वीडियो को देखने वालों के लिए, सब के लिए मेरी ओर से सादर प्रणाम एवं राधा राधे, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर ये आए हुए आपके यूट्यूबर, तो ये यहाँ इस स्थान पर आए हैं, ये बहुत ही रमणीय एवं प्राचीन स्थान है। तो ये भटप्रक जो है 5 कोस में फैला हुआ था, एवं वृंदावन तक इसकी शाखाएं जाती थी, वृंदावन से ग्वालवाल चढ़ती थी और इस पुलों पर आकर के यहाँ पे आकर नित्य प्रति आता, बीच में होके यमुना जी का, और यहाँ का नित्य प्रति माधुपुरी भोजन किया करते थे एक दूसरे से छिना कर। दोस्तों अभी आपको मैं दिखा रहा था अपने ब्लॉग में भगवान श्री कृष्ण की विवाह स्थली जो कि भंडीरवन पे है। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ऐसे ही भक्ति भाव से परिपूर्ण एक वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।